हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रिप एंड ट्रेल। एंड आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आपको पता है बिग बिलियन डे चल रहा है और बिग बिलियन डे पर हमने करी है ढेरों 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 शॉपिंग। तो आज हमारा सामान डिलीवर होने वाला है, आउट फॉर डिलीवरी है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या डिलीवर होता है। तो ये मेरी पुरानी वाली टीवी है, ऐसे देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जब से मैंने इसको रिपेयर कराया तब से ठीक ही चल रही है। तो रिपेयर कराने के बाद क्या प्रॉब्लम हो गया, ये देखो यहाँ पर एक तो ये फ्लिकर कर रहा है, जो यूट्यूब का लोगो है ये फ्लिकर कर रहा है, और यहाँ पर ये वाला जो साइड है ना, इसमें जो भी इमेज आती है, जो भी वीडियो आप चलाते हो उसमें ऐसे ही फ्लिकर करता रहता है साइड में। ये देखो ये छप भी गया है, मतलब अगर आप कोई चीज़ पॉज कर दोगे ना तो वो छप जाता है। बहुत लंबे टाइम के लिए तो नहीं छपता, लेकिन थोड़ी देर के लिए छप जाता है। और एक ये लाइन है साइड में, तो मुझे लगता है अब इसकी उम्र ज़्यादा नहीं रही है, रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अब ये थोड़े दिन और चलेगी। मेरे को लगता है इसका टाइम पूरा हो गया है, तो अब मुझे अपग्रेड करा लेना चाहिए। और चल रहा है बिग बिलियन डे, और बिग बिलियन डे पे मुझे काफ़ी अच्छी डील मिली है, तो मैंने सोचा अपग्रेड कर लेते हैं। सो टीवी वाले आ गए डिलीवर करने, टीवी बढ़िया से। बस तो थोड़ा छोटा नहीं आया साइज, तो थोड़ा सोफा सरकाना पड़ेगा। ये हमारी टीवी बाहर निकल रही है, सो गाइस टीवी डिलीवर हो चुकी है। वैसे यार मेरा तो बहुत मन था कि मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊं टीवी, लेकिन इसमें मुझे ऐसा कोई मौका मिला नहीं, क्योंकि जब आप कोई महंगी चीज़ लेते हो ना तो कंपनी वाले जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आप तक चीज़ को सही सलामत बिना टूट फूट के पहुँचाए। तो जो डिलीवरी देने वाले डिलीवरी बॉयज़ आते हैं वो लोग आए, उन्होंने इसको अनबॉक्स किया और पूरा चेक करवाया कि कहीं से कोई टूट फूट नहीं है इसमें, पूरी सही सलामत है। क्योंकि अगर उस टाइम टूट फूट निकल जाती तो ये चीज़ें रिप्लेस हो जाएगी, इसलिए आप खुद से कभी भी अनबॉक्सिंग मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप खुद से अनबॉक्सिंग करते हो ना तो उसकी टूट फूट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी नहीं लेती। टीवी डिलीवर हो चुकी है और आप वेट कर रहे हैं इसको दीवार पे लगाने का। वैसे तो यार देखो टेक्नीशियन जो अलर्ट होता है वो 2-3 दिन बाद होता है, लेकिन हमने एलजी के शोरूम पे कॉल किया, उनको रिक्वेस्ट किया, तो टेक्नीशियन आने वाला है। वैसे तो टीवी डिलीवर होने से पहले टेक्नीशियन आने वाला था, लेकिन फिर हमने उसको बोला कि हम कहीं बाहर है, टीवी डिलीवर से पहले टेक्नीशियन आ गया, हम करता क्या। तो अभी जैसे उसको कॉल किया है आने के लिए तो आता ही होगा, फिर ये टीवी हटेगी, दूसरी वाली लगेगी। पुरानी वाली टीवी हटा रहे, हमारी पुरानी टीवी, इसको बहुत बहुत मुश्किल से ख़रीदा था, वो जो लगी हुई थी ठीक थी पुरानी वाली। टीवी लग चुका है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 12:30 हो गया, चलो चेक करते हैं। अरे चालू क्यों नहीं हो रहा, अच्छा थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस होने में। यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब में ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा।
ये 8K के वीडियो है एंड आई होप आपको कैमरे में थोड़ा क्लियर लग रहा होगा। बहुत मेरे को तो बहुत क्लियर लग रहा है क्योंकि मैं इसकी आँख का कॉर्निया तक देख सकती हूँ इसमें। बढ़िया है ना, बढ़िया लग रहा है, 4K वाला दिख रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोप्टा एंड वेलकम टू माय चैनल। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रिप एंड ट्रेल। और काफी टाइम हो गया हमारे ट्रैवल वीडियो नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम कहीं गए ही नहीं हैं, हम घर पे ही हैं। लेकिन हम प्लान कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाएं। और कल से बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है और हम बाहर ही खड़े हैं, मजा आ रहा है। मतलब हल्की हल्की जो बारिश हो रही है ना उसमें भीगने का मजा ही कुछ और है। अभी पिकनिक सुबह सुबह थोड़ी सी धूप आई थी लेकिन फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है तो अभी हम बाहर ही हैं। और आज का जो ब्लॉग है वो होम ब्लॉग होने वाला है। और अभी आपको पता है कि बिग बिलियन डे चल रहा है और बिग बिलियन डे में हमने मंगाया है मेरे लिए फोन। कौन सा फोन? iPhone 14 नहीं मंगाया, सॉरी। अगर आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि iPhone 14, तो मेरी आई थिंक पहुँच से बाहर है iPhone 14। हमने मंगाया है iPhone 13। तो थोड़ा ही पीछे है। और अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है और मेरा कैमरा भीग रहा है। अभी चलते हैं, बजट फटाफट अंदर चलते हैं। और ये वाला मेरा पुराना वाला फ़ोन है, iPhone 6s Plus, जिसको मैंने सेल कर दिया है। बेचारा काफ़ी टाइम तक मेरे साथ रहा लेकिन अब अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। गिफ्ट अभी मेरा बर्थडे में 2 महीने हैं तो क्या हो गया, तो उसके बाद एक और गिफ्ट मिलेगा ना बर्थडे पे। 50 तो ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने कोई चीज़ खरीद के दे दी और उसको बोलो और ये तो बर्थडे गिफ्ट है, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही होता है। चलो 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 चलो। तो इसके अलावा बिग बिलियन डे पे टीवी के अलावा 3 और आइटम मैंने मंगाए हैं। ये तो आपको पता ही है, ये है iPhone 13 जो अभी डिलीवरी वाला हमको देके गया है लेकिन ये थोड़ा सा भीग गया है। एंड ये है चार्जर उसका, क्योंकि iPhone वाले आप चार्जर नहीं देते उसके साथ तो आपको उसके लिए अलग से ख़रीदना पड़ता है, तो मैंने फ़ोन के साथ ही ऑर्डर कर दिया था। और ये है साउंड बार जो हम टीवी के नीचे लगाएंगे। लेकिन अब ये है कि मैं सोच रही हूँ कि हम खुद से लगा लें, लेकिन अब डिपेंड करता है कि हम लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। इसको खोल के देखेंगे, अगर लगा पाए खुद से तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर कोई किसी और को बुलाना पड़ा तो किसी और को बुला लेंगे। लेकिन मुझे लगता है किसी और को ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि साउंड में जो वाइब्रेशन होते हैं उससे इसके गिरने का चांस है। खोल लेते हैं फिर देखते हैं। आज अनबॉक्सिंग करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, इसको चेक करना पड़ेगा। मुझे लगा वो लोग आए हैं तो चेक करके दे के जाएंगे क्योंकि अगर कोई इशू हो तो, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि वीडियो बना लेना है, इसको वीडियो तो हम बना ही रहे हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं साइड में। अरे ऐसे ही खुल गया, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। और लोगो दिख रहा है यहाँ से, इसमें मेरा ये दूसरा फ़ोन है। सील्ड है ना पूरा? हाँ सील तो है, देखो यहाँ से भी सील है, यहाँ से भी सील है। इतना बड़ा मत, क्या है ऐसे निकलेगा ये सील? इसको यहाँ से ये। और इस बार कलर थोड़ा चेंज है, अदरवाइज मेरे जितने भी फोन आए या तो व्हाइट होता था या तो ब्लैक होता था या सिल्वर होता था, लेकिन इस बार ऑलिव ग्रीन। मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है क्योंकि मैंने वो यूज़ किया है, लेकिन इसमें पूरे में स्क्रीन है ना, इसलिए बटन नहीं है इसमें। चलो अभी ये साइड करते हैं। और क्या आया, बस इसमें ये केबल आई है और तो कुछ देते ही नहीं है आईफोन वाले। जैसे जैसे फोन महंगा होता जा रहा है उसके साथ एसेसरीज वो लोग घटाते जा रहे हैं। अगली बार एप्पल वालों का दिल छोटा होता जा रहा है। अगली बार से ये भी नहीं आएगा देखना। चार्जर क्या हेड होगा सिर्फ? हाँ तो हेड भी तो ये लोग अब अलग से बेचने लग गए। सोना मोती हीरा डाल के दिया हो जैसे कि। ये अरे उल्टा दिखाई। ये और
ये हमने जब लास्ट टीवी ली थी तब से सोच रहे थे कि साउंड बार लेना साउंड बार लेना, वो टीवी खराब होगी। नई नई टीवी ली तो उसके साथ ही ऑर्डर कर दिया कि बहुत मोटा है ये तो, इसके अंदर आया था, फिक्स कर रखा है। देखो मैं बड़ा लग रहा था, से बड़ा नहीं है। देखो आई तो है, सॉरी मेरा फोन गया था। आया तो है, इसमें रिमोट आया है, केबल भी आई है। यही वाली केबल बोल रहे थे ना, ये दूसरी केबल है, ये दूसरी यही लगती है। चलो देख लेंगे। वाह बाहुबली। नहीं ये वाली केबल भी आई है, ये कौन सी केबल? वो पावर केबल है। हाँ तो ये लगेगा, छोटा लग रहा है। नहीं 55 के सामने ठीक है, कितना बड़ा चाहिए, बाहर ही निकल जाए। नहीं पीछे ही रहेगा। इसमें ड्रिल वाली की लाई है, तो मेरे को लगता है ड्रिलिंग के लिए बुलाना ही पड़ेगा। आप साउंड बार देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि शायद हम लगा पाए या ना लगा पाए, इसलिए हमने टेक्नीशियन बुला लिया था, तो वो सेट करके लगा के चला गया। और अब ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही फोन चेक करने जा रही हूँ, उसको जलन हो रही है क्योंकि ये तो अभी चेक नहीं कर पा रहा था, सोच रहा है मुझसे पहले ये कैसे एक्सप्लोर कर ले फोन। हाँ यार अब एक्साइटमेंट ना दिखाऊं। बटन ऑन करना इसका छोटा था ना, तो वॉल्यूम बटन लगा था। ये स्टार्ट हो गया। सेटअप में तो टाइम लगता है ना। हेलो क्यूटी। नमस्ते नमस्ते, हिंदी में भी आया। मुझे लग रहा तूने मेरे को बेवकूफ बनाया है और मिनी मंगवाया है तूने। इतना छोटा फोन क्या होता है, मिनी इससे भी छोटा होता है। उल्लू बनाया मेरे को बैठ के। ठीक है तो मेरा ले ले जा। इतना छोटा फोन मुझे मिनी लग रहा है, वो जो पुराना वाला आता था ना आईफोन छोटा वाला, वही लग रहा है ये। ठीक है मत ले। ठीक है डील डील सोचूंगी। नहीं सोचूंगी क्या, जो है अभी है, अभी तो मैं तुम्हारे जगह अपना डाल दूंगा। एक बार मैं कैमरा की क्वालिटी देख लूं क्या तो है? मेरे में से यूज कर लेना, मेरा तो देखी हो ना, मेरा बहुत अच्छा है। जा हड़पने में जैसे तैसे इसको मौका मिले और ये वाला ले ले और एक्सचेंज कर ले। कब से मेरे को कन्विंस किया जा रहा है इस बारे में, संभाल मैं भी पाओगे। मैं भी पक्की हूँ बहुत। तो अभी मार्केट जा रहे हैं क्योंकि फ़ोन में स्क्रीन गार्ड लगाना है, क्योंकि जब तक स्क्रीन गार्ड नहीं लगाएंगे तो उसको यूज़ नहीं कर सकते, स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। और इसके अलावा मेरे को साड़ी का ब्लाउज़ भी बनवाना था क्योंकि दशहरा आ रहा है, तो दशहरे वाले दिन पहनेंगे स्पेशल साड़ी, तो उसका ब्लाउज सिलाने देना दोनों ही काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको फ़ोन के क्या बोलते हैं उसको, फ़ोन कवर की दुकान नहीं मिली, ना ही कोई टेलर की दुकान मिली। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा आगे, काफ़ी पैदल चल लिया लेकिन कुछ नहीं मिला यहाँ पर। उनका टेम्पल टूट डल गया लेकिन उसका बैक कवर नहीं मिला, और ऑर्डर तो कर दिया, शायद कल तक आ जाएगा, वैसे तो बहुत पहले से मंगा रखा था। और खाने में है आज पनीर एंड राइस, और इधर है रोटी पनीर क्योंकि ये वेट लॉस कर रहा है अभी थोड़ा इसीलिए। तो चलो आई थिंक दैट्स इट फॉर टूडे गाइज। और मेरे को पंखा बंद करना पड़ रहा है इसलिए बहुत गर्मी लग रही है। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा हटके था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। या